नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट का जो है जो रिजल्ट आप लोग का घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके स्क्रूटनी का जो डेट है दोस्तों प्रकाशित नहीं किया गया था। लेकिन लॉकडाउन है जो अभी और आगे एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए इसलिए जो है जो आप लोग को जो स्क्रूटनी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन इस बार आमंत्रित किया गया है। तो चलिए हम इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो अपने प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है, जिनको लग रहा है कि हम लिखे मतलब लिखे ज्यादा कम नंबर आ रहा, या जो संतुष्ट नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग वैसे सभी कैंडिडेट जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग इसके इसका जो फी है, क्या डेट है, उसी के बारे में कैसे आवेदन करना, उसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर चल जाना, बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर, वहां पर चल जाना। इसका जो डेट है दोस्तों, आज से स्क्रूटनी का डेट स्टार्ट हो गया है। ये जो है जो 25/5/2020 तक, यानी 25 तारीख तक, इस महीने के 25 तारीख तक आप लोग उसके अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ही अप्लाई कर लें, क्योंकि लिंक जो है जो लास्ट डेट तक वेट नहीं करें, क्योंकि लिंक में बहुत लास्ट टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है सर्वर में। चलिए इसी के बारे में देखते हैं। इसमें जो फी है जो आपको 70 रुपये लगेगा, मतलब 70 रुपये प्रति विषय की दर से, यानी आप एक विषय में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 70 रुपये आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर आप सभी विषय में करना चाहते हैं तो उस हिसाब से जितने विषय सिलेक्ट करेंगे उसके उसमें आप 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए 3 विषय में आप स्क्रूटनी करना चाहते हैं तो 210 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट पर चल जाएगा। वहां पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 करके एक लिंक प्रोवाइड करवाया गया है। वहां पर जाइएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपना रोल नंबर, रोल कोड एवं पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल करके अंकित करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत छात्र को एक पुनरीक्षण स्क्रूटनी आवेदन संख्या प्रदर्शित होगा। ये एप्लीकेशन आईडी नंबर छात्र भविष्य में उपयोग के लिए सुनिश्चित कर लें। उसमें आपको जब इतना कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल जाएगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा, या फिर अगर प्रिंट का सुविधा है तो प्रिंट करवा के रख लीजिएगा। आप उसको नोट करके रख लीजिए एप्लीकेशन आईडी नंबर, क्योंकि कभी भी फ्यूचर मान लीजिए स्कूटनी के लिए अप्लाई किए या किसी कारण से नहीं हो पाया तो आप उसे बोर्ड में जाकर के उसके अनुसार पता करवा सकते हैं। पुनरीक्षण स्कूटनी आवेदन संख्या, एप्लीकेशन आईडी एवं सूचीकरण संख्या का प्रयोग करते हुए लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन पर जाना है, वहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां एक लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, उसमें आप एप्लीकेशन आईडी नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करें। इसके उपरांत छात्र का सभी विषय के साथ एक पेज खुलेगा तथा सभी विषय के सामने अंकित चेक बॉक्स होगा। उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, जिस विषय में आपको स्क्रूटनी करना है उसके सामने आप मतलब टिक का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तत्पश्चात फी पेमेंट के लिए एक पेज उपलब्ध होगा। फी पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे निर्धारित स्कूटनी शुल्क की भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। परीक्षार्थी ऑनलाइन भुगतान के पश्चात 24 घंटे के अंदर अपना बैंक खाता से राशि की निकासी हुई या नहीं हुई इसकी जांच स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता की राशि की निकासी के पश्चात समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर लीजिए। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट से पैसा कटा कि नहीं। अगर कट गया तो समझ लीजिए कि आपका आपका एप्लीकेशन है जो सबमिट हो गया। अगर नहीं कटा तो आप उसे फिर से क्लिक करके या फिर उस पर फिर से क्लिक करके फिर से पेमेंट कीजिएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए पेमेंट आपके अकाउंट से नहीं कटेगा तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपका स्कूटनी जो है जो आपका वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग जरूर चेक कर लें कि आपके अकाउंट से पैसा
कटा है या नहीं। उसके बाद इसमें समिति के किस 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 बिंदुओं पर आपको जो है जो स्क्रूटनी पर विचार किया जाएगा उसके लिए देख लीजिए। यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसके सुधार किया जाएगा। उसके बाद प्रदत्त अंकों के योग में यदि जोड़ने में किसी तरह का कोई त्रुटि हो गया तो उसमें सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर मूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्त अंक में सुधार किया जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मान लीजिए छूट जाता है चेक करने में, तो उसको आपको सुधार करके आपको उसको चेक करके और फिर उसके बाद नंबर जितना बढ़ेगा या घटेगा वो आपको सुधार करके आपको बता दिया जाएगा। स्क्रूटनी का परिणाम स्वरूप, स्क्रूटनी का परिणाम आपको हो सकता है आपका आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या फिर जो है वो फिक्स ही रहेगा। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जो भी परीक्षार्थी परेशान है कि हम मेरा नंबर कम आया है तो वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।